गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब नामदान मिलता है तो बाबा जी सबसे जो है सिमरन करने को कहते हैं, लेकिन कई रूहें ऐसी होती हैं जिन्हें शुरू शुरू में जो है सिमरन करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और क्योंकि हमारा लेखा जोखा सब कुछ काल के पास होता है, जब नामदान मिलता है तो लेखा जोखा बाबा जी रख लेते हैं, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि मैंने काल से तुम्हारा लेखा जोखा रख लिया है लेकिन पूरी तरह नहीं लिया है। अगर तुम भजन सिमरन करोगे तभी तो लेखा जोखा जो है मेरे पास आएगा। सबसे पहले अपने मन को भजन सिमरन में जरूर लगाए। सात संगत जी, हम समझते हैं कि नामदान ले लिया है, यही बाकी है और अब बाबा जी की जिम्मेवारी है, लेकिन बाबा जी स्पष्ट रूप से यही समझाते हैं कि काल से लेखा तब तक वापस नहीं लिया जा सकता जब तक आप भजन सिमरन में तरक्की ना करो। भजन सिमरन में तरक्की करने के लिए हमें बैठना पड़ता है, लेकिन हम बहाने बना देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे बैठें। बाबा जी बड़े प्रेम से समझाते हैं, बेटा ये मन ऐसा है और ये मन काल के चक्रों में आता है और काल को ये ड्यूटी दी गई है कि हम भजन सिमरन ना कर पाए, लेकिन हमने काल को किसी न किसी तरीके हराना है, भजन सिमरन करना है। और बाबा जी कहते हैं बेटा काल से लेखा जोखा तभी लिया जाएगा जब जो है हम भजन सिमरन पर बैठेंगे, और हमारे भजन सिमरन पर बैठना भी तो ज़रूरी है। बाबा जी कहते हैं कि सावन सिंह महाराज जी कहते थे कि बैठो ज़रूर, हुक्म समझ के बैठो, ड्यूटी समझ कर बैठो, बैठो तो सही, लेकिन हम इन चीज़ों को ड्यूटी नहीं समझते, हम इन चीज़ों को ज़रूरी नहीं समझते। ज़रूरी तो हम उन चीज़ों को समझते हैं जो हमारे आसपास दिखाई नहीं देती है, जैसे ज़िंदगी की जिन ऐश्वर्य आराम की चीज़ों ने हमारा साथ नहीं देना है अपना कर बैठे हैं, और जिन्होंने हमारा साथ देना है उन्हें हम बिल्कुल भुला कर बैठे हैं। बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये दुनिया की दौलतें यहीं पर रह जाएगी, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, जाएगी तो हक की कमाई जाएगी और भजन सिमरन जाएगा, लेकिन हम हमेशा यही कह देते हैं कि हमसे भजन सिमरन नहीं होता। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर बैठोगे नहीं तो होगा कहाँ से, हम तो बैठते नहीं, अपनी ड्यूटियों को समझते नहीं, और जब तक हम अपनी ड्यूटियों को समझेंगे नहीं भजन सिमरन नहीं होगा, तो इसीलिए हमें बैठना है। काल का जाल बहुत बुरा है, वह हमारे मन को इतना प्रभावित करता है कि जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो मन में कई कई विचार आते हैं, ध्यान कई और भटक जाता है, लेकिन हमने उस ध्यान को भटकना नहीं है, धीरे धीरे हमें इसकी आदत हो जाएगी, इसीलिए हमने भजन सिमरन पर ज़रूर बैठना है, बैठना है और बाबा जी का हुक्म मानकर बैठना है। और जिस दिन हम बाबा जी का हुक्म मानकर बैठेंगे हमारा ध्यान ज़रूर लगेगा, और बाबा जी हम सबकी हाजिरी लगाते हैं, हम ये सोचकर बैठ गए हैं कि बाबा जी को क्या पता कि हम भजन सिमरन करते हैं या नहीं, लेकिन बाबा जी सब कुछ जानते हैं, अपने हर सत्संगी पर नज़र रखे होते हैं। जब हम सत्संग में बैठते हैं बाबा जी काफ़ी दूर पर होते हैं, लेकिन हम समझते हैं इतनी दूर से बाबा जी हमें नहीं देख पाते, लेकिन ये हमारा सिर्फ वहम है। जब बाबा जी दृष्टि डालते हैं तो हर एक सत्संगी पर दृष्टि डलती है और हर एक सत्संगी के बारे में बाबा जी को पता होता है, और बाबा जी अपने सत्संगियों से बड़ा प्रेम करते हैं, और
हम समझते हैं कि बाबा जी हमें नहीं जानते। बाबा जी ने हमें जो हुक्म दिया है, जो ड्यूटी दी है, उसे निभाओ। जिस दिन हम वह निभाने लगेंगे, बाबा जी भी हमसे रोज़ मिलने आएंगे, वो भी भजन सिमरन के जरिए। बाबा जी कहते हैं, बेटा अगर आप सात समंदर पार भी हो, लेकिन भजन सिमरन की ताकत ऐसी है जो आपको अपने सतगुरु से जोड़ देती है। बाबा जी ने कई उदाहरणें दी, मीरा जी की उदाहरण दी। मीरा जी ने खूब भजन सिमरन किया और माटी की मूरत में उस कृष्ण जी को पाया है। क्यों? क्योंकि वह दीन दुनिया को भूल कर जो है भजन सिमरन में इतना लीन हो गई कि उसके आसपास क्या हो रहा है कोई खबर नहीं थी। और उस प्रीतम प्यारे ने भी उसकी पल पल जो है साथ दिया। और हमें भी उस मालिक की तरह जो है ऐसे ही भक्ति करनी है कि हमें भी इस दून दुनिया का कोई याद ना रहे, याद रहे तो सिर्फ उस मालिक का नाम और अपनी कमाई याद रहे। तो इसीलिए कहा जाता है कि भजन सिमरन ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। आप चाहे सात समुंदर पार भी बैठे हो, लेकिन अगर आप भजन सिमरन नहीं करते तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप भजन सिमरन पर बैठे हैं तभी तो फ़ायदा है। जितने भी ऋषि मुनि आए, संत महात्मा आए, वे उदाहरण देने के लिए हमें आए थे। उन्होंने भक्ति की मिसाल कायम की है और उसी भक्ति की मिसाल पर चलकर ही हम भजन सिमरन कर पाए हैं। अगर वे उनके आने का कोई ना कोई मकसद था। और एक बात सभी जानते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसने एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। और सबको यही लगता है कि हम इस मालिक को पास जाएंगे, लेकिन जो मालिक के दिए हुए हुक्म को मानेगा वही मालिक के पास जाएगा, नहीं तो बाकी इस जन्म मरण के चक्करों में ही फंसते रहेंगे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी जोनी मिल जाएगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरी जोनी मिल जाएगी। लेकिन इंद्रियों के भोग में आकर फिर नरकों की आग में झुलसना पड़ेगा। इसीलिए तो बाबा जी हमेशा कहते हैं, अगर आपको मानिस चोला मिला है तो उसका आपको बड़ा शुक्रिया अदा करना है। और किस चीज़ के लिए मिला है इसे ध्यान में रहकर आप भजन सिमरन ज़रूर कीजिएगा। भजन सिमरन करेंगे तभी तो उस प्रीतम प्यारे के पास जाएंगे, उस शब्द की कमाई कर पाएंगे, उस नाम की कमाई कर पाएंगे। क्योंकि शब्द से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। जब से सृष्टि चली आ रही है सभी चीज़ें बदली गई, लेकिन शब्द की कमाई, नाम की कमाई को कोई ना बदल पाया। ये पहले दिन से चली आ रही है और चलती ही जाएगी। इसे बदलने के लिए कोई भी आज तक नहीं आया। और हमें जितने भी धार्मिक ग्रंथों हैं उनमें भी यही समझाया गया है कि आप शब्द की कमाई कीजिए, नाम की कमाई कीजिए, क्योंकि शब्द और नाम की कमाई से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। दुनिया की जितनी भी धन दौलत है वो ये थड़ी की थड़ी रह जाएगी, आपके साथ नहीं जाएगी। जाएगी तो सिर्फ उस मालिक के द्वारा बताई हुई शब्द की कमाई जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर नामदान मिला है तो बड़े भागों वाले हो, क्योंकि इस ये नामदान सबको नहीं मिलता। आपके कर्मों में नामदान है इसीलिए आपको मिला है, और कईयों के कर्मों में ये नहीं होता, तभी तो उन्हें नाम की कमाई नहीं मिलती, शब्द की कमाई नहीं मिलती। तो सात संगत जी, अगर आप सत्संगी हैं, भजन सिमरन नहीं करते, तो आज से ही भजन सिमरन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उस मालिक के बुलावे का कुछ नहीं पता। और अंत समय में पछतावा करने से अच्छा है हम अब से ही शब्द की कमाई शुरू कर दें, नाम की कमाई को शुरू कर दी जाए।
तो गुरु प्यारी सात संगत जी बाबा जी की बताए हुए हर एक जो है नियम को वो बनाना है और भजन सिमरन करना है, यही हमारा सबसे बड़ा बाबा जी के लिए तोहफा होगा। तो सात संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह सात संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।